पिछली भी काफ़ी वीडियोस में जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी बनाई हैं उनमें मैंने काफ़ी गाड़ियों के बारे में आपको बताया था कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स है जिनको सुधार के आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। गाड़ियों के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई पुरानी गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप क्या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंटल गाड़ियों को आप कैसे पहचानें, इसके बारे में मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आज ये वीडियो मैंने कुछ अलग टॉपिक पे बनाई है। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेल्स का काम करते हैं। अगर आप न्यू कार सेल्स में जॉब करते हैं या फिर अगर आप यूज्ड कार का काम करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताऊंगा, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके, उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक परफेक्ट सेल्स पर्सन बन सकते हो और डेफिनेटली आप अपनी सेल्स तो इंक्रीज करोगे ही, साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आप बढ़ा पाओगे। इसको फॉलो करने से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा और ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है वो है फ्रंट, इसको अपनी सेल्स की भाषा में एफ कहा जाता है। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, FIRSST। एफ का मतलब होता है फ्रंट। किसी भी गाड़ी को दिखाने से पहले आप कस्टमर को हमेशा फ्रंट में ला के दिखाइए, क्योंकि जो फ्रंट का जो लुक होता है सबसे पहले कस्टमर को वही भाता है कि वो गाड़ी फ्रंट से कैसी लगती है। फ्रंट में आप कस्टमर को बहुत सी चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे गाड़ी के हेडलैम्प्स दिखा सकते हैं कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, हेलोजन है, LED है, कैसे हैं, उनके इंडिकेटर्स के बारे में आप बता सकते हैं। फिर नीचे बम्पर्स में आप गाड़ी के जो फॉग लैंप्स है उसके बारे में आप कस्टमर को बहुत ही अच्छी डिटेल से समझा सकते हैं। बम्पर्स की जो डिज़ाइन है उसके बारे में बता सकते हैं, साथ साथ आप बोनेट के बारे में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो फ्रंट की जो ग्रिल है इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि सर साथ साथ ये जो बोनेट है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है इसके बारे में बता सकते हैं। इसकी जो डिज़ाइनिंग है इस टाइप से क्यों की गई है इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद फ्रंट में आप अगर देखेंगे तो ये वाइपर्स के बारे में बता सकते हैं कि सर देखिए वाइपर्स की साइज़ कितनी बड़ी है, कांच को बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से साफ़ करेगा। साथ साथ आप गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी डिज़ाइन के बारे में बता सकते हैं कि सर इसकी डिज़ाइन ऐसी है, इसमें ऐसा क्यों दिया गया, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो फ्रंट में कुल मिला के बहुत सी चीज़ें होती है जो बता सकते हैं। इसके बाद आप साइड के जो ओरवीएम्स है इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सर ये बॉडी कलर ओरवीएम्स है, साइड में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, अगर इसके अंदर ओरवीएम में कैमरा लगा है तो आप कैमरे के बारे में भी कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सर इसमें कैमरा लगा है, साइड में आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप गाड़ी के जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बारे में बता सकते हैं कि सर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और आपके सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। नीचे करके आप स्पीड ब्रेकर में खड्डों में जाते हैं तो उसमें आपके नीचे चैम्बर टच नहीं होगा, इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। साथ साथ आप गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आप साथ में साइड में अगर खड़े हैं तो साथ साथ में आप टायर्स के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बता सकते हैं कि टायर की साइज़ क्या है, रिम की क्या साइज़ है, एलो व्हील्स के कितने स्पोक एलो व्हील्स अगर एलो व्हील्स लगे हुए हैं इसके बारे में आप टायर के बारे में अच्छे से कस्टमर को समझा सकते हैं। इसके बाद गाड़ी का नंबर आता है आई, जो होता है इंटीरियर। तो चलिए इंटीरियर में आप क्या क्या दिखा सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। इंटीरियर एक ऐसा भाग होता है जिसको देखकर कस्टमर का मन टोटली चेंज हो जाता है। तो कभी भी अगर आप इंटीरियर के बारे में बताएं तो बहुत ही अच्छे से समझाएं। शुरुआत आप कोशिश करें कि डोर्स किससे शुरुआत करें, डोर्स में की क्वालिटी के बारे में बताएं कि सर इसकी प्लास्टिक अगर प्लास्टिक है तो इसकी क्वालिटी कैसी है, अगर इसमें यहाँ पे सॉफ्ट दे रखा है तो सॉफ्ट के बारे में बता सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे जितने भी स्विचेस दिए गए हैं पावर विंडोज़ के, लॉक अनलॉक के, इसके बारे में बता सकते हैं। साइड ओरवियंस जो है अगर इंटीरियरली एडजस्टेबल है तो इसके बारे में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आप कस्टमर को बता सकते हैं। टोटल आप यहाँ पे जो बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पे जो सामान रख सकते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। डोर्स के बारे में आप टोटल क्वालिटी के बारे में समझा सकते हैं। इसके बाद आप गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के जो इंटीरियर से जो डैशबोर्ड है इसकी क्वालिटी के बारे में कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सर इसके अंदर ये स्विचेज़ है, म्यूजिक सिस्टम जो है उसके बारे में आप बता सकते हैं। टोटल स्पेस अगर जो भी है इसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे इतना स्टोरेज है। सॉकेट के बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। साथ साथ आप इसकी यहाँ की जो डुअल टोन इंटीरियर है जो उसकी जो कलर है इसके बाद जो फिनिशिंग है इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और जितना अच्छे से आप समझाएंगे कस्टमर बहुत ज़्यादा कस्टमर को अगर आप जितना अच्छे से समझाएंगे कस्टमर का भी उतना ही उस गाड़ी की तरफ ज़्यादा मोह बनेगा। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। साथ साथ आप ये ग्लोव बॉक्स में कितने स्पेस है क्या है इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। साथ साथ ये जो
रियर व्यू मिरर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आर्म रेस्ट है तो इसके बारे में बता सकते हैं कि आराम से आप इसके ऊपर हाथ रखकर आराम से गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ अंदर जो स्पेस अगर दिया है तो इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि सर इसके कितने यूज़ हैं, कितने स्पेस है गाड़ी के अंदर। साथ साथ आप गाड़ी के गियर्स के बारे में बता सकते हैं कि मैनुअल है, ऑटो गियर, इसके बारे में बता सकते हैं कि ड्राइविंग बहुत ईजी हो जाती है। इसके साथ साथ आप स्टेयरिंग के बारे में बता सकते हैं, स्टेयरिंग के ऊपर अगर कंट्रोल्स दिए हुए हैं तो आप इसके बारे में कस्टमर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर स्टेयरिंग एडजस्टेबल है, ट्रिल स्टेयरिंग है या टेलीस्कोपिक है तो कस्टमर को आप इसके बारे में बताइए, और जो भी स्टेयरिंग है इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, इसके क्या यूज़ हैं इसके बारे में आप कस्टमर को ज़रूर बताइए। फिर बात आती है यहाँ पे डिजिटल इन्फो सिस्टम की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप इसके बारे में कस्टमर को बहुत अच्छे समझाइए। जितनी भी ये लाइटें दिख रही है, लाइटें इनके क्या यूज़ है, किस चीज़ की लाइटें, कस्टमर को बहुत अच्छे समझाइए। अंदर स्पीड मीटर के अंदर जो भी जो देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, इसके बारे में कस्टमर को बहुत अच्छे समझा सकते हैं। जितना अच्छे समझाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। और साथ साथ अंदर की जो इंटीरियर है इसके बारे में आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये लाइटें हैं, इसके इनका क्या यूज़ है क्या नहीं, इस बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इंटीरियर के बाद आपकी गाड़ी के समझाने की बारे आती है, वो आती है रियर की। तो रियर में आप क्या क्या कस्टमर को बता सकते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। रियर में अगर आप देखेंगे तो इसके टेल लाइट्स के बारे में बता सकते हैं, किसी टेल लैम्प्स के बारे में आप कस्टमर को बता सकते हैं। पीछे अगर डीफॉगर दे रखा है तो डीफॉगर के बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे समझा सकते हैं। बम्पर्स के बारे में बता सकते हैं, नीचे क्या क्या है, सब क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में आप कस्टमर को बता सकते हैं। इसमें अगर कैमरेज लगे हैं, रियर पार्किंग सेंसर लगे हैं तो उसके बारे में आप कस्टमर को समझा सकते हैं। इसके बाद आप समझा सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस होता है, इसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि स्पेस कितना है, क्या क्या बेनिफिट है, कितना सामान आप रख सकते हैं। फिर अगर इसमें टूल किट्स वगैरह रखे हैं, स्पेयर पार्ट्स के बारे में, स्पेयर व्हील के बारे में आप ये बताइए कस्टमर को इसके अंदर क्या क्या है। तो पूरा बूट जो बैक है, रियर है, इसको अगर आप अच्छे जितना समझाएंगे उतना अच्छा है। इसके बाद बात आती है गाड़ी की सीट की, तो सीट में आप अगर कस्टमर को क्या क्या बता सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बैक सीट में आप उसको कस्टमर को यहाँ बिठा के आप कस्टमर को अंदर से जो इसका लेग रूम और हेड रूम, उसके बारे में आप कस्टमर को बहुत अच्छे समझा सकते हैं कि इसमें ये क्या क्या फीचर्स के बारे में कस्टमर को अच्छे समझा सकते हैं। पीछे अगर एसी वेंट लगे हैं तो आप इसके बारे में कस्टमर को बताइए कि पीछे भी है जो इसका एसी की हवा आती है, आप इसका क्या यूज़ है इसके बारे में बता सकते हैं, क्या बेनिफिट है ये बता सकते हैं। साथ साथ जो ये जो सॉकेट दे रखा है, चार्जिंग सॉकेट, इसके बारे में आप कस्टमर को आराम से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। कस्टमर को ये बता सकते हैं उनकी हाइट के हिसाब से यहाँ पे कितना अच्छा स्पेस दिया गया है ये बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे बताने के लिए, जितना आप कस्टमर को बताएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद आती है बात गाड़ी की सेफ्टी की, तो सेफ्टी में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप उनको एक्टिव जो है सेफ्टी फीचर्स उसके बारे में बताइए, पैसिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताइए। एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से एक्टिव फीचर्स होते हैं सेफ्टी फीचर्स, और पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। फिलहाल इसमें आप बता सकते हैं कि ABS क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का क्या यूज़ है, क्या सेफ्टी फीचर है। एयरबैग्स के बारे में बता सकते हैं कि उनके सेंसर कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताइए। सीट बेल्ट जो लगी है उनको कैसे यूज़ करना है, पहनने के बाद उसकी क्या सेफ्टी है इसके बारे में बताइए, कैसे वर्क करती है सीट बेल्ट उसके बारे में आप कस्टमर को बताइए। साथ साथ में आप ABS के साथ साथ आप EBD के बारे में बता सकते हैं कि इक्वली ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में आप कस्टमर को बताइए। डोर्स के बारे में बताइए, इनकी क्वालिटी के बारे में आप कस्टमर को बताइए कि सर डोर्स की ये क्वालिटी है और कितनी इसके अंदर क्या क्या लगा है, बॉडी हमारी कैसी, गाड़ी की जो बॉडी है वो कैसे बनी है इसके बारे में आप कस्टमर को बताइए। जितना आप बताएंगे उतना है। इसके बाद बात आती है गाड़ी की लास्ट में टेक्नोलॉजी की, तो चलिए टेक्नोलॉजी में जान लेते हैं कि अपन क्या क्या कस्टमर को हम लोग बता सकते हैं। गाड़ी का जो इंजन जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इंजन पार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कभी भी आप कस्टमर को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं तो बहुत ही अच्छे से समझाएं, इनको ये बताएं कि इनकी गाड़ी के इंजन की पावर क्या होती है, कितने CC का है, कौन सा इंजन, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आप ये कस्टमर को बताइए। साथ साथ इसके टॉर्क के बारे में आप कस्टमर को बताइए कि इसका टॉर्क क्या, कितना टॉर्क पैदा करता है, इसकी पावर कितनी है, खींचने की क्षमता कितनी है, कस्टमर को आप अच्छे से बताइए। कितने CC का इंजन है, कितने सिलेंडर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, कितने सिलेंडर की गाड़ी है, ये बारे में आप कस्टमर को अच्छे से बताइए। इसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो कितने कैपेसिटी का है, इसके बाद वो कितना माइलेज देती है, और उनको साथ साथ ये भी बताइए कि AC का माइलेज जो है सिटी में कितना देगा, हाईवे पे कितना देगा, इसके बारे में पूरा ब्रीफ करके कस्टमर को बताएंगे। तो डेफिनेटली कस्टमर कोई भी गाड़ी की, जितनों भी आप गाड़ी के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप है, जो 6 स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, फ्रंट, इंटीरियर, रियर, सीट, सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी। इनको आप स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक करके आप कस्टमर को जितना अच्छे से समझा सकेंगे, कोशिश करिए उतना अच्छा समझाएं, क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक सेल्स भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ फटाफट जल्दीबाजी में जल्दी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ये स्टेप्स बताएं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल्स तो इंक्रीज़ होगी, साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और आने वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि जो भी वीडियो जाएगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक्टिव सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं और पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अगर आप सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि और अच्छी बेटर क्वालिटी की वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।